गाइस क्या हाल चाल है। ये आपको जैसे बताया था कि मैं आज से प्योर वेजिटेरियन हो जाऊंगा, तो सुबह ये मैं सब सामान कल इकट्ठा कर रहा था, ठीक है। अब जो मेरी पहली मील है ये ओट्स हैं, देख लो, ठीक है। ओट्स के अंदर मैं डालूंगा पहले एक चम्मच, मैं कल लेके आया हूँ इसका पीनट बटर, देख लो। मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा इसकी, मुझे सही लगा मैं उठा रहा है। बाकी आपको बताऊँगा कैसे चॉकलेट फ्लेवर है, स्वाद आ जाएगा देखो आपको भी। एक चम्मच आपको डालनी है इसमें, अपने अकॉर्डिंग डाल लेना। एक चम्मच ओट्स में ये डालेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि अच्छा देख के आपने ये भाई स्वाद लग रहा है तो भर के खा लिया, जैसे जैसे बता रहा हूँ ना वैसे आप कर सकते हो आप ट्राई करने में। एक चम्मच ये हो गया, ऊपर से एक केला देख लो आप। ये मैं भी ड्राई फ्रूट लेके नहीं आया, घर में पड़े थे पर वो डालने लायक नहीं थे, ढंग से नहीं थे, वैसे मैं बता रहा हूँ ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, ठीक है। इसको मिक्स कर लो, ओट्स हो गए इसमें, एक चम्मच प्रोटीन उसकी हो गई, कहते पीनट बटर की, और एक केला हो गया, बाकी ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे, ठीक है। ये सुबह की आपकी ब्रेकफास्ट की मील है, इतने में बहुत हैवी आज हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि जो बंदा है ना, मैं केले वेले तो भी खाता नहीं था, बाद से मैं कल से ऑफ पे चला गया, कल मेरा पहला था। और एक चम्मच अभी मैंने अपना स्टेडफास्ट का प्रोटीन लिया है, ठीक है। एकदम से प्रोटीन नहीं छोड़ सकता ना मैं, इतना ले रहा था तो बॉडी वो हो जाएगी। एक चम्मच ये लिया है, तो सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट आप ये ट्राई कर सकते हो। ओट्स हो गया, 60-70 ग्राम ओट्स हो गए, एक केला, एक पीनट बटर की चम्मच, थोड़े से ड्राई फ्रूट आज मैंने डाले नहीं है, कल से डाल लूँगा। और ये तुम्हारा एक चम्मच हो गया, एक चम्मच मैंने लिया आइसोलेट, ठीक है, प्रोटीन का, आप कोई भी ले सकते हो। बाकी आज पूरे दिन पैकिंग होगी, मैं जा रहा हूँ एक दो दिन में घूमने के लिए, सारा सामान इकट्ठा करूँगा, जो जो ले जाऊँगा सब कुछ साथ ले जाऊँगा, प्रोटीन के पैकेट, पीनट बटर का डब्बा, सब वहाँ भी आपको लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपसे। गाइस क्या हाल चाल है, हालत देख लो कमरे का क्या रखा है। एक बारी ये बैग पैक हो रहे हैं जाने के लिए, बढ़िया घूम के आएंगे। और सुबह मैंने मिल ली थी, उसके बाद काम करके सो गया। अब ये प्रतीक्षा और मेरा पपीता है, ऐसा नहीं गंदा ही खाना है, अच्छा खाना है, पपीता है पेट साफ होता है, तो ये नहीं मैं गंदा ही खाऊंगा। चीट करेंगे पर थोड़ा थोड़ा करेंगे, ये नहीं चीट, मेरा मन, मैं एक बार चीट कर रहा हूँ, मेरा मन ऐसा हो रहा है यार क्यों कर लिया। पपीता खाने से ना आपका बूढ़ा पेट साफ हो जाता है, सही रहता है, हल्का होता है ना ये। तो अभी दो बंदों का, एक बंदों का नहीं है, तो मैं कल चला जाऊंगा, तो मैं इसको बोला एक बार खा ले, पेट सही रहना चाहिए बाहर जाके ना, ये चीज़ है। बाकी मिलता हूँ फिर आपको, दिखाता हूँ मैं दूसरी तीसरी जो मील लूँगा मैं क्या लूँगा, चिकन या क्या ऐड करूँगा बताता हूँ आपको। गाइस जैसे आपको पता है कि सूजन साहब ऑफ डाइट पर चले गए हैं, और स्पेशली वेज डाइट पर चले गए हैं, अब से वो कभी नॉन वेज नहीं खाएंगे, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और ये देख सकते हो ये दाल है, ये 300 ग्राम्स राइस है, और आप सोचोगे खाली कटोरी क्यों है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ब्रेड नहीं हो रही है टोस्टर में, देखिए ये पनीर है, इसमें घी भी कुछ नहीं लगाना पड़ता, और सारा पनीर अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, उसका पानी भी निकल जाएगा। हाँ जी गाइस, आज संडे है ना, तो मैं आज के दिन मैं नहाऊंगा, मार्केट जाना है, तो आपको एक ही कपड़ों में दिखाऊंगा। नेक्स्ट में मील जो होगा ना, इवनिंग स्नैक्स, वो भी दिखाऊंगा मैं क्या खा सकते हैं। अब देखो वेज डाइट मेरी स्टार्ट हो गई है, बंदे सोचते हैं वेज में सोर्स नहीं है, सबसे बड़ी बात वेज में दाल। उसके बाद देखो ये 200-250 ग्राम पनीर है रोस्ट किया हुआ, मैंने अभी मेरी वाइफ ने दिखाया होगा, प्रतीक्षा ने आपको कैसे रोस्ट कर सकते हैं। 300 ग्राम राइस है, और ये दही है, ठीक है। खाने का मतलब, ऑफ सीजन का मतलब ये नहीं है कि ऑफ सीजन चला गया मैं परांठे खाऊंगा, हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार चल सकता है, मेरा मन करेगा तो मैं खा लूँगा, पर मैं दिखाऊंगा आपको मैं खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ। अभी देखो जो मेरी ऑफ में जैसे डाइट चल रही है ना, बॉडी को हर चीज़ चाहिए, तो इसमें राइस है, ये दाल है घर की बनी हुई 250 ग्राम, तुम्हारे पनीर है, और साथ में कर्ड है। तो ऑफ का हमारा जो टाइम होता है ना, ऑफ का मतलब होता है जो हमारे में वीकनेस है ना, जो जो हमारी मेरी बॉडी में वॉल्यूम कम है, साइज़ कम है, तो अगली बार मैं उतरूंगा ना तो बब्बर शेर बन गए साइज लेके, मतलब अब खाएंगे अच्छा। पता क्या होता है, सिर्फ कटिंग में ना बॉडी चिरती है, ऊपर से मांस उतरता है, जो हमारा बेस बनता है वो बनता है हमारा गेनिंग में, ऑफ सीजन में जो ग्रोथ होती है। तो जितनी अच्छी डाइट खाओगे ना, हैवी डाइट खाओगे ऑफ सीजन में, उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। बाकी ये मैंने आपको तीसरी मील, दूसरी मैं ज़्यादा मील नहीं लूँगा, 4 या 5 मील लूँगा, जिसमें 6 लेता था ना ऑफ में, 4 ही लूँगा, बड़ी बड़ी 4 लूँगा, आपको दिखाऊंगा। जैसे सुबह मैंने आपको दिखाया था मैंने क्या खाया, तुम्हारा ओट्स हो गया, उसके बाद मैंने फ्रूट्स खाए, तीसरी ये एक इवनिंग स्नैक मिलेंगे रात को, 4 से 5 मील, मतलब 3 से 4 मील लेंगे, इनफ है, बहुत होती है वो। बाकी आप बीच में सैलड वैलड खा सकते हो जब आपका मन करे। थैंक यू गाइस, ये सूजन साहब की डिमांड पे आज बेसन के चिल्ले बन रहे हैं,
इसमें बेसन है, पानी है, नमक, मिर्च, टमाटर, प्याज और थोड़ा सा पनीर मैंने डाला है इसमें। और बहुत मतलब ऐसे पतला सा, बहुत पतला नहीं, मतलब ठीक सी ऐसे ऐसे वाला करना है इसका बैटर। और ये मैंने इस पर डाला हुआ है, देखते हैं बनता है कि नहीं, कैसा बनता है। इवनिंग स्नैक्स है, मैंने अपना स्टेडफास्ट का प्रोटीन की स्कूप लिए है और साथ में बेसन का चीला है। इसके अंदर प्रतीक्षा ने बताया आपको क्या क्या, पनीर है, बेसन अच्छा होता है उसमें, प्रोटीन क्वांटिटी अच्छी होती है, पनीर है, प्याज है, टमाटर है, नमक मिर्च है बस, ठीक है, और साथ में ग्रीन चटनी है। ये इवनिंग स्नैक में हो जाएगा और इसमें प्रोटीन भी होता है, ये आप ऐड कर सकती हो लीन गेन के लिए, डाइट के लिए। मैं ऑफ पे चला गया हूँ पर ये नहीं गंदा खाऊंगा, डाइट तो खाऊंगा। एक चम्मच प्रोटीन सुबह लिया था, एक शाम को लिया है। अब प्रोटीन की क्वांटिटी जल्दी देखो, जो वेज डाइट होती है ना उसमें एकदम से नहीं हो पाती, पर कोई बात नहीं, धीरे 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 जल्दी जल्दी ऐड करेंगे। ऑफ में हो तो 4-5 मील लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। बाकी ये देखो इवनिंग स्नैक्स में आप ये ले सकते हो, ग्रीन मिंट सॉस है, घर की बनी हुई चटनी है। टेस्ट करके बताओ चिल्ला, आपकी शेफ ने कैसा बनाया? वही स्वाद ऐड कर सकते हो, मजा आ जाएगा, शेफ अच्छा होना चाहिए। थैंक यू जी। गाइस क्या हालचाल है, ये लास्ट मील ऑफ द डे है। इसमें मैंने 250 ग्राम पनीर रखा है, 250 ग्राम चावल है और इसमें हमारे वडियाँ न्यूट्रीला जिसे बोलते हैं, साथ में दही है। ये भी प्रोटीन की है, जो लीन गेनिंग करना चाहता है, गेन करना चाहता है वो खा सकता है इसमें। हाँ जो कटिंग पर है वो राइस क्वांटिटी कम रख सकता है, बाकी मैं गेन करूँगा, लीन गेन करूँगा, थोड़ा मसल मास चाहिए तो उसके लिए 250 ग्राम चावल हैं, 250 ग्राम पनीर है इसमें, ठीक है, और साथ में इसमें न्यूट्रीला डाल रखा है। इसमें आलू, प्याज, टमाटर, न्यूट्री और पनीर है, और उसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसे फ्लेवर के लिए थोड़ी सी सोया सॉस और थोड़ा सा विनेगर डाला है कि टेस्ट आ जाए, साथ में दही है। बाकी वो लोग यही एंड करते हैं, मैंने पूरे दिन में 4 मिल लिए हैं और थोड़े से फ्रूट्स खाए थे, पपीता खाया था, जो मैंने आपको दिखाई इतना इनफ हो रहा है कर गेन करने के लिए। कटिंग में थोड़ा हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं, अब मैं वेज खा रहा हूँ तो मैं आपको वेज दिखा रहा हूँ। बाकी सुबह हम कहीं निकल रहे हैं, आपको पूरा व्लॉग देखने को मिलेगा कल, कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, हर चीज़ देखने को मिलेगी। बाकी व्लॉग यही एंड करते हैं, थैंक यू सो मच। बाकी पीछे गाने चल रहे हैं उसके लिए इग्नोर करना उसको, सॉरी।